दादा परदादा का जमीन अपने नाम पर कैसे करें। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही डिटेल्स से जानेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे कि अपने दादा परदादा का जमीन आप अपने नाम पर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने पिताजी के इकलौते बेटे हो तो आपको बंटवारा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका रसीद कटता है तो उसमें रसीद के नीचे में आपका नाम आता है और ऐसे में आपको बंटवारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी भी तरह की त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करिएगा नीचे कमेंट में, हम आपको पूरी पूरी सहायता करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। तो दादा परदादा का जमीन आपको अपने नाम पर करना है, कैसे करना है। मान लीजिए एक पिताजी के 3 बेटे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने नाम पर करने के लिए सबसे पहले आपको बंटवारा को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे पिताजी हो गए या आपके पिताजी हो गए या जो भी आपके आस पड़ोस में हैं, अगर आप करवाना चाह रहे हैं या किसी को सजेशन देना जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बता दिया आपको कि अगर एक बेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको ऐसा बंटवारा पटवारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वही 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप जमीन अपना नाम करवाना चाहते हैं तो आपको बंटवारा करना पड़ता है। तो बंटवारा हम बताएंगे आपको कि 3 तरह के होते हैं, कौन सा सबसे बेस्ट है और कौन आपको बंटवारा कराना चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, आए दिन हमारे समाज में, हमारे घर के बगल अगल इस तरह का केस बहुत चल रहा है कि हमने छोड़ दिया, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बाप दादा जो थे वो इतना मतलब नॉलेज नहीं रखते थे, बोलते थे, सोचते थे कि चलो यार अपना ही परिवार है, क्या टेंशन है, सब कोई मिल बांट के रहेंगे। लेकिन जनरेशन चेंज होता गया और धीरे धीरे अब जो युग जमाना में अब जो आज के जो युवक पैदा हो रहे हैं, युवक जो हो रहे हैं, तो वो बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के हो गए। कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आए दिनों बहुत ही केस हो जा रहा है, थाने में केस देखने को मिल रहा है, या फिर आपस में बहुत ही झगड़ा, लड़ाई, तकरार, ये सब हो जा रहा है, केस फौजदारी हो जा रहा है। तो हम ऐसी स्थिति अपने आने वाले पीढ़ी के लिए ना करें, हम क्यों ना आज ही सिक्योर हो लें और अपना जमीन, अपने बाप दादा का नाम का जमीन हम अपने नाम पर करा लें। तो देखिए, इस जमीन को सबसे पहले आपको अपने नाम पर कराने के लिए बंटवारा समझना होगा। तो बंटवारा देखिए 3 तरह का होता है। सबसे फर्स्ट में हम आपको बताएंगे, देखिए ये बंटवारा सबसे पहला जो होता है वो आपसी सहमति बंटवारा होता है। तो आपसी सहमति बंटवारा अच्छे से समझिएगा, जैसे हम अपने पिताजी के 3 भाई हैं, तो हम लोग तीनों आपस में बैठ जाएंगे और बैठ करके और आपस में समझ लेंगे, सलट लेंगे कि हाँ भाई, मान लीजिए कि आपका एक मकान है और वो आगे का जो 15 फीट है, 20 फीट है, और वो लंबा पूरा चला गया है 80 फीट, 100 फीट, 150 फीट, जो भी हो, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा हो। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा भी स्थिति आ जाता है कि जैसे हम आगे से अगर 3 पार्टीशन करते हैं, सपोज हम तीन लड़के को लेकर चल रहे हैं कि पिता के 3 लड़के हैं, तो कभी हम आगे से 3 पार्टीशन करते हैं तो हमारा घर जो हो जाएगा वो बहुत पतला हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। यानी 7 फीट का, 8 फीट का एक दरवाजा होता है तो 8-8 फीट पड़ेगा और खूब लंबा हाथी की सूंड जैसा, सूंड जैसा एकदम हो जाएगा। तो हमें गैरेज तो खोलना है नहीं। और जब हम सहमति की बात करते हैं और हम बोलते हैं कि ठीक है, हम इसमें 3 पार्टीशन करेंगे, यानी सबसे फ्रंट और बीच वाला और सबसे पीछे वाला, तो अब यहाँ पर लफड़ा ये लग जाता है कि मान लीजिए हम वो छोटा वाला बोलेगा भाई हम आगे रहेंगे, और हो सकता है आपका मांझिल जो भाई है वो बोले कि नहीं, हम आगे रहेंगे, आप चाहो कि आप आगे रहो। तो ऐसी स्थिति में बहुत लफड़ा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके भाई हैं या आप खुद हैं ऐसी स्थिति में हैं, आप पीड़ित खुद हैं, तो आप बोल नहीं पाते वहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में आप चुप रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा अगर आपका भाई दबंग गई है या फिर आपसे नहीं बनता, तो बहुत तरह के समाज में देखने को इस तरह का बात मिलता है, तो वो क्या करेगा, भाई आपसे समय देखे ना, हम इन्हीं रह बवा, हम आगे रहेंगे और आप जो है पीछे रहिए और आप बीच में रहिए, और इस तरह से अपना अमीन उमीन बुलवा करके नाप लेते हैं। तो ये आपसे ही बंटवारा हुआ, इसमें किसी भी तरह का आपको कोई कागज पत्र नहीं होता है, और ये जो बंटवारा है ये बहुत ही बेकार बंटवारा है, ना इसमें किसी तरह का कागज बनेगा। आज आप ठीक हैं, आज आज आपकी सहमति है, आप आज आज आपकी भाई भाई में बनती है, आज आप भाई को मानते हो, चाहते हो, और आप थोड़ी बहुत मैनेज करके चल लोगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है भविष्य में आपका जो बच्चा हो, बेटा हो, वो इस बात को मानने की एग्री ना हो कि हम पीछे क्यों रहे हैं,
हम बीच में क्यों रहे, हम आगे रहेंगे तो आगे हमारा दुकान होता, ये होता, वो होता, तो वो मायने जब करने के लिए तैयार ना होगा तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? लोग जाएगा फिर अपने थाना में और केस करेगा, फिर क्यों कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ये जो बंटवारा है आपसी सहमति वाला, देखिए हालांकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री होता है आपसी सहमति, आप समझ पा रहे होंगे जैसे राजी सहमति। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं जो मतलब मन में कुछ और बात रखते हैं, मुंह से कुछ और बात बोलते हैं, ठीक है सामने में सहमति हो भी गए लेकिन फिर पीछे बताएंगे देखा हमारा छोटा समझ के दबा देलन, हमारा पीछे दे देलन। तो ये सब गलत बात है और ऐसे नहीं है कि हम रिकमेंड करेंगे आपको कि आप ये आपको जो बंटवारा मत कराइए, क्योंकि ये आपको आपसी जो सहमति बंटवारा है ये सबसे बेकार बंटवारा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लड़ जाइए, ऐसा भी नहीं है। आपको जो मैं बंटवारा करने के लिए कहूँगा वो बहुत ही सिक्योर होगा, लेकिन उसको भी सहमति से मतलब सहमति से कीजिएगा। और एजुकेशन वाले होंगे आप, तो आप अपने बड़े भाई को छोटे भाई को ये बात समझाइएगा कि देखिए जो ये बंटवारा है ये आपसी सहमति, मान लीजिए कि अभी भाई भाई में हम लोग बन रहा है, आने वाला जनरेशन में नहीं बने तो और इसका कोई कागज पत्र रहेगा भी नहीं, तो ये बंटवारा रॉन्ग है, इसको आप निगलेक्ट करके चलिए। अगर आप बंटवारा करना चाह रहे हैं तो इस बंटवारा को मत करिए क्योंकि इसका कोई कागज पत्र नहीं। चलिए सेकेंड बंटवारा की हम यहाँ पर बात करें जो पंचायत सहमति बंटवारा होता है। यहाँ पर पंचायत सहमति बंटवारा, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हमारे गांव कस्बे के कुछ जो हमारे मुखिया हैं या हमारे गांव के सरपंच हैं, या अगर वार्ड पार्षद, वार्ड की जगह में आप रहते हैं, रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर आपको मान लीजिए आपको जो वार्ड पार्षद हो गए, वार्ड कमिश्नर हो गए, तो उस तरह के जो लोग आएंगे और दो चार अगल बगल गांव घर के लोग आएंगे वो बैठेंगे। और वहाँ भी देखिए वहाँ भी दो नंबर काम हो जाता है। वहाँ भी मान लीजिए कि आप तीन भाई हैं और एक बाहर रहता है, तो उसको भाई गांव गांव समाज में उतना पकड़ है नहीं, उतना जान पहचान है नहीं, और कोई एक उसका भाई होगा जो दबंगई होगा तो वो अपना लाठी के जोर से समझिए, या फिर समझ लीजिए कि आपको उसका ज़्यादा बनता होगा पंचायत समिति से, तो उसने पहले ही मिला जुला करके रखा होगा और वो बोलेगा भाई हाँ तो हम आगे रहेंगे और आप बीच में रहिए। तो यहाँ भी ये भी बंटवारा जो है सिक्योर नहीं होगा और इसका भी कोई कागज पत्र नहीं है और ये भी बिल्कुल फ्री है, लेकिन इस ये भी भविष्य में आपको दिक्कत पहुंचा सकता है और आपकी मर्जी के बगैर ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पंचायती समिति पंचायती सहमति बंटवारा करना जा रहे हैं तो इसको भी आप मत करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कोई सिक्योर और कोई सच्चाई नहीं है और इसमें भी मतलब मुंह देखा देखी वाला काम हो जाता है, ठीक है। जिसका पकड़ होता है उसके प्रति लोग ज़्यादा बोलते हैं, जिसका पकड़ नहीं होता उसके प्रति लोग जो है थोड़ा कम बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको लगता है कि यार हम दब गए, ठीक है। तो ये दो आपको मैंने बंटवारे के बारे में बताया, जो सबसे बेस्ट है वो आपका आ जाता है तीसरा नंबर, रजिस्ट्री बंटवारा, ठीक है। ये बिल्कुल ही सेफ सिक्योर और ये पेपर वाला बंटवारा है, जो कि आपको इसमें दो टाइप्स के बंटवारा होते हैं, ठीक है। एक ये मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो ये आपको रजिस्ट्री बंटवारा है तो इसमें दो टाइप के होता है। जो पहला टाइप होगा आपको वो होगा सीओ लेवल पर, मैं यहाँ एक बार आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत भविष्य में ना हो, ये को सीओ लेवल पर होगा, ठीक है। और जो दूसरा होगा यहाँ पर, जो दूसरा आपको होगा वो होगा आपको रजिस्ट्री ऑफिस, दूसरा जो आपको होगा वो होगा रजिस्ट्री ऑफिस जो कि आपको डीला में होता है, ठीक है। तो देखिए पहला जो सीओ वाला है उसके बारे में आपको बता दें, फिर रजिस्ट्री ऑफिस वाले के बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए सीओ जो है यानी सर्कल ऑफिसर जो कि ब्लॉक में होता है, तो सर्कल ऑफिसर आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि जो सर्कल ऑफिसर यानी जो सीओ होता है वो जमीन का मालिक होता है अपने प्रखंड का, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका ये बहुत ही पक्का काम होगा कि सीओ स्तर से आप कराएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम खर्चे में आपको ये बंटवारा होगा, तो वहाँ पर आपको एक ताइत मिल जाएगा, ताइत मिल जाएगा, या आपको एक ब्लॉक से पकड़ लीजिए, आप किसी भी अच्छे छोटे वकील को पकड़ लीजिए या ताइत को पकड़ लीजिए, ताइत को पकड़ लीजिए काम चल जाता है, ठीक है। हमने भी ताइत को ही पकड़ा था, तो वो आपको एक पेपर बना करके देगा, पेपर बना करके देगा, आप सीओ को जमा कीजिएगा, फिर सीओ क्या होगा, तीनों भाई, अगर चार भाई हैं तो चार भाई, या दो भाई हैं तो दो भाई, तीन भाई तो तीन भाई, तीनों भाई को बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक भी भाई ना रहे तो यहाँ पर आपका जो है काम चल जाएगा, नहीं, तीनों भाई हैं तो तीनों को रहना वहाँ पर उपस्थित जरूरी है। उसके बाद ये सीओ यानी सर्कल ऑफिसर जो है अपने कुछ कर्मचारी को और कुछ लोगों को
आपको आपके घर पर भेजेंगे, आपका जमीन है तो वहाँ या फिर आपका घर है तो वहाँ, और वो अपने स्तर से अगल बगल पूछताछ थोड़ा सा जांच पड़ताल करेंगे कि ये जमीन जो है भाई वाकई में इनका है कि नहीं, तो इनके कौन पिताजी थे, थोड़ा सा अपना पेपर ऊपर निकाल करके पुराना अपना खतियान वगैरह देखेंगे, वो इनके नाम से चल रहा था, ये जो बेटा है इन्हीं का है, या फिर कोई गांव मोहल्ले का या फिर बाहर का आकर दावा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पूरा कागज वगैरह आपका जांच किया जाता है और वहां पर जो है आपको ये आपको पार्टीशन तोड़ देते हैं और उसके बाद आपका जमीन का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो इसमें दो हम बताएं आपको, दो टाइप्स बताएं रजिस्ट्री में, दो टाइप्स बताएं, एक हो गया आपको सीओ लेवल सर्कल ऑफिसर और दूसरा रजिस्ट्री ऑफिस। तो ये जो रजिस्ट्री ऑफिस है ना, ये एकदम सिक्योर और भी सिक्योर है दोनों, हालांकि लेवल में एक ही है, वो इसके पार्ट्स दो हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्री ऑफिस जो है इसमें क्या होता है, जैसे हम सामने वाले पार्टी से जमीन लेते हैं और जब सामने वाले पार्टी से जमीन लेते हैं तो हम रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं और वहां जाकर के उसको उसके जमीन को हम अपने नाम पर चरवाते हैं, यानी रजिस्ट्री डिड नंबर। ठीक है, तो उसको अपने नाम पर लेते हैं, उसके बाद हम पेपर को जो जो हमारे नाम पर होता है उस पेपर को हम ऑनलाइन करवाते हैं दाखिल खारिज, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि दाखिल खारिज कैसे करते हैं। दाखिल खारिज करवा के जब हमारा नाम पर शुद्धि पत्र बन जाता है तो फिर हम उसको कर्मचारी को जमा दे देते हैं, उसका एक केवाला का जेरोक्स कॉपी अपने कर्मचारी को दे देते हैं और जो ऑनलाइन का कॉपी है वो अपने कर्मचारी को दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हमारा 15 दिन 20 दिन 25 दिन जो भी टाइम लगता है, जब हमारे नाम से मोटेशन हो जाता है, जब हमारे नाम पर जमीन हो जाता है, तो उसके बाद हम अपने नाम से जमीन कटवा लेते हैं, ऑनलाइन चढ़ जाता है। तो ये तो हो जाएगा एकदम बिल्कुल सिक्योर कि मतलब आपके नाम पर ये रजिस्ट्री हो जाएगा। और तो इसमें थोड़ा सा आपको खर्च थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि वहाँ पर आपको जो वैल्यू के आपका जमीन का क्या वैल्यू चल रहा है उसके हिसाब से आपको जो है रजिस्ट्री ऑफिस में पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा तो ये और पक्का हो जाएगा आपका कि आपका जो केवाला हो जाएगा और आपके नाम पर जमीन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस तरह का जो होगा कि हाँ हमने ये फ्रंट साइड में यहाँ पर, तो आपको केवाला के बारे में पता ही है कि जब केवाला आपका होगा तो आपके उत्तर में कौन व्यक्ति है, वो जो चौहद्दी लिखते हैं कि आपको उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है और पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है, कितना जमीन है, तो वो सारा आपको जो केवाला मिलता है उस पर सारा पुख्ता सबूत रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और भविष्य में आपके लिए आपके बच्चे के लिए ये बहुत ही सिक्योर और सेफ होगा। तो अगर फ्रेंड्स आप भी बंटवारा कराने जा रहे हैं तो ये दोनों बंटवारा मैं सजेशन दूंगा आपको, और मेरी सजेशन मानो, आप मेरी सलाह मानो तो आप रजिस्ट्री बंटवारा करा लो कोर्ट से जाकर के, आप वहाँ से भी करा सकते हैं या फिर आप सर्कल ऑफिसर से भी करा सकते हैं। ठीक है, जो रजिस्ट्री ऑफिस से कराइएगा वो भविष्य के लिए भी सिक्योर रहेगा, आप अपनी ज़मीन को कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी बेच सकते हैं और भविष्य में भी आपको ये फायदा देगा। तो आज आई होप कि आपने पूरी जानकारी समझ लिया होगा कि अपने दादा परदादा बाप के नाम की ज़मीन को हम अपने नाम पर कैसे कराएं। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला तो एक लाइक दे दीजिए, फिर भी अगर कुछ मन में डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियोस जो आने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा वो इस उसका टॉपिक जो रहेगा कि आपका जमीन है। ठीक है, मान लीजिए 3 पाटीदार के नाम से जमीन है और कोई एक के बगैर, यानी बिना दोनों के जाने के बगैर अगर एक बंदा उसको बेचने जा रहा है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कैसे लगा सकते हैं, इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं, उस पर रोक कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मिलते रहें नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।